स्टॉक्स है जिस पर आज बाजार रिएक्शन दिखाएगा, नंबर्स पर फोकस रहेगा क्योंकि मिड कैप कंपनियों की लंबी लिस्ट आई है कल बाजार बंद होने के बाद। और स्पाइस जेट एक ऐसी कंपनी है जो रेडार पर रहेगी क्योंकि जैसे हम ब्रेक के पहले भी बता रहे थे कि 7 quarters की लगातार प्रॉफिट के बाद इस बारी प्रेशर में कंपनी आती दिखाई दी है और इसका झटका जरूर रहेगा। अब देखेंगे मुनाफा जो है घटा है, ये 181 करोड़ पर आया जहां पर बीती बार ये 240 करोड़ पर था। मार्जिन्स 28% के आसपास रहे हैं, इनकम फ्लैटिश है। ट्रेड के लिहाज से पहले ये बताइए क्योंकि थोड़ी सी हवा निकली है इन एविएशन कंपनियों की ऑफ लेट, किरण क्या किया जाए? स्पाइस में मुझे लगता है कि स्पाइस जेट में थोड़ी बिकवाली करके ही चलनी चाहिए। बहुत बड़े रेजिस्टेंस में का सामना करना पड़ रहा है इस स्टॉक को, और अगर हम चार्ट देखते हैं तो रेजिस्टेंस करीबन 68-70 का बहुत बड़ा है। उसी के साथ अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट देखते हैं जो कि करीबन जनवरी 2016 से है, एक साल का चार्ट है, अगर हम ऊपर से सारे टॉप्स को ज्वाइन करते हैं तो फॉलिंग ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस है। हालांकि निचले स्तरों पे अच्छा सपोर्ट भी है, तो मुझे लगता है कि इधर से रेजिस्टेंस नजदीक है तो मैं सेल करने की सलाह दूंगा। स्टॉप लॉस करीबन 68 का रहेगा और टारगेट्स मोमेंटम टारगेट्स रहेंगे जो कि करीबन 56 तक ये स्टॉक नीचे आ सकता है, तो 56 के करीब आता है तभी इसमें एक बार रिव्यू ले लेना चाहिए क्योंकि बहुत अच्छा सपोर्ट है। बिल्कुल।